हेलो दोस्तों, राम राम भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं अपने गांव में जा रहा था किसी काम से घूमने के लिए। तभी मैंने देखा कि एक किसान जो है मशीन से अपना धान कटाने के लिए मशीन को लाने के लिए गया। दोस्तों, मैंने पहली बार देखा है कि मशीन से धान कटते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ मशीन से धान किस प्रकार से कटता है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा धान कट जाता है मशीन से। तो आप लोग बने रहे ब्लॉग में। दोस्तों, चलते हैं, दौड़ते हुए आप लोगों को दिखाते हैं कि मशीन से धान कैसे कटते हैं। भाइयों, मैं तो अचंभों में हो गया था कि मशीन से धान कैसे काटा जाता है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी ने अपने खेत में जो सरसों की बुआई कर दी है लाही की, तो दोस्तों देख सकते हैं कोहा जोड़ने में काफी ज्यादा बिजी है। दोस्तों, मेरे आने से पहले ही एक खेत काटा जा चुका है। दोस्तों, मैंने इसको नहीं देखा कि किस प्रकार से एक खेत कटा, तो मैं आप लोगों को दूसरे खेत में दिखाऊंगा कि कैसे काटते हैं। भाई, आप लोग मशीन को देखिए, कितनी छोटी मशीन है, इसी से धान कटेगा। दोस्तों, मशीन को चालू करने के लिए भैया जा रहे हैं, उन्होंने रस्सी बांध लिया है। दोस्तों, मशीन को खेत में लाया गया है, देख सकते हैं दूसरे खेत में जो धान काटा जा रहा है। बहुत ही अच्छी करपी जो होती है भैया धान काटने की, वो बहुत ही अच्छा बिछाया जा रहा है मशीन से। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मशीन से धान कैसे कटता है। भाइयों, कंबाइन से करते हो तो सभी लोगों ने देखा, लेकिन मशीन से किसी ने नहीं देखा। तो दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी अरपी बिछाई गई है मशीन से, सूर्य भगवान भी बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, खेत काटा जा चुका है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा, आप लोग भी बताइए कमेंट में। दोस्तों, खेत से बाहर आ चुकी है मशीन, देख सकते हैं उन लोगों ने मोटरसाइकिल की ठेलिया बना रखी, उसी पे मशीन को रखा जाएगा, फिर ये लेकर जाएंगे। मशीन को लेकर आने जाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत पड़ती है, इसलिए भैया ने मोटरसाइकिल की एक ठेलिया बना रखी, उसी पे रखकर लेकर आते हैं। पैदल ले जाने में बहुत ही दिक्कत पड़ेगी। दोस्तों, शाम हो चुकी है, चलते हैं गेहूं पिसवाने के लिए, लाही पेरवाने के लिए। दोस्तों, आप लोग बने रहे, मैं आप लोगों को दिखाता हूं किस प्रकार से पेरा जाता है। दोस्तों, इधर लाही रखी हुई है और ये गेहूं है, चलते हैं हम लोग पिसवाने के लिए। दोस्तों, हम पालेसर पे आ चुके हैं। आज जो है पालेसर पहले से ही चल रहा था, क्योंकि कस्टमर पहले भी आ चुके थे। दोस्तों, तो चलते हैं फटाफट, अपना काम करवाते हैं, फिर घर के लिए निकलते हैं यहाँ से। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि लाही और गेहूँ किस प्रकार से पीसा जाता है, पेरा जाता है। फाइनली दोस्तों, मैं घर पे आ चुका हूँ गेहूं और लाही पेरवा के। तो अब चलते हैं खेत में सादा लेने के लिए, जो हमारा धान पक गया है उसको लेने के लिए चल पड़े हैं। दोस्तों दोस्तों हम लोग अपने खेत में पहुंच चुके हैं, शाम का वक्त है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है, सुहाना सुहाना मौसम भाई, जैसे कोई परी। दोस्तों, हम लोग धान के खेत के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, ये देखिए धान पका, इसी को काटेंगे और सादा ले चलेंगे, पीटेंगे अपनी गाय भैंस के लिए, हरा हरा चारा खिलाएंगे उसे। दोस्तों देखिए, ये वाले धान अभी नहीं पके हैं, ये अभी हरे भरे, इनको नहीं काटना हमको, जो पक चुके हैं वो तो कट ही रहे, इनमें भी दाने भाइयों पड़ रहे हैं अब धीरे धीरे। दोस्तों, सादा कट चुका है, चलते हैं इनका बोझ बनाते हैं, फिर लेकर चलते हैं घर पे। फाइनली दोस्तों, बोझा लग चुका है, चलते हैं घर। दोस्तों, हम लोग घर पे आ चुके हैं बोझ लेकर, अभी कुछ देर में इनको पीटेंगे, फिर इसका चारा बालेंगे। फाइनली दोस्तों, गांव में मशीन आ चुकी है धान काटने के लिए पहली बार। तो दोस्तों, आप लोग देखें, ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।